दोस्तों इलान एकेडमी में आपका बहुत ही स्वागत है। बड़ी खुशी है कि हमने अपनी पूरी ज्योग्राफी आज ख़त्म कर दी है। क्लास टेंथ की एनसीईआरटी वाली किताब की ज्योग्राफी का लास्ट लेसन लाइफलाइंस ऑफ ओवर इकोनॉमी के लास्ट वीडियो में हम और आप साथ हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि भारत का इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और टूरिज़्म क्या है। हाँ, एक कहानी है लास्ट में, शायद आपको अच्छी लगे। हर कहानी का कुछ मोरल तो होता ही है, तो आप मुझे बताइएगा कि उस कहानी से क्या सीखा आपने। शेयर सब्सक्राइब करने को मैं नहीं कहूंगा, अब आपकी मर्जी। मेरा पढ़ाना आपको मैं अपना फर्ज अपनी ड्यूटी मान रहा हूं। अब दोस्तों ट्रेड से यानी व्यापार से शुरू करते हैं। ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी माल का लेन देन होता है, और यह लेन देन लोगों के बीच होता है, राज्यों के बीच भी होता है और देशों के बीच भी होता है। और उस जगह जहां यह लेन देन होता है उसे बाजार कहते हैं, मंडी कहते हैं, एक्सचेंज भी कहते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आजकल इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा बाजार है, अमेज़न एक बाजार है। तो दोस्तों जब ये ट्रेड तो देशों के बीच होने लगे तो यह इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। यह लेन देन समंदर से होता है, हवाई मार्ग से होता है और जमीनी रास्ते से होता है, जबकि लोकल ट्रेड शहरों में, कस्बों में और गांवों के बीच होता है। स्टेट लेवल का ट्रेड दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़त, तेजी किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उन्नति को दिखाता है। तो इसी कारण से इसे इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहेंगे। जैसे बैरोमीटर प्रेशर दिखाकर मौसम की जानकारी देता है, इसी तरह इकोनॉमिक ट्रेड का बैरोमीटर देश की इकोनॉमी का हाल बताता है। तो दोस्तों प्रश्न ये आ सकता है कि ट्रेड चाहिए ही क्यों। दोस्तों किसी भी देश के खुद के रिसोर्सेस उस जगह के ही खास होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते, कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत ही कम, किसी एक चीज में ज्यादा तो दूसरी चीज में कम। तो एक दूसरे से लेन देन कर कमियों को पूरा किया जा सकता है, और ज्यादा हो तो दूसरों को बेचा भी जा सकता है। तो इस ट्रेड के दो हिस्से हैं, एक एक्सपोर्ट यानी माल को बाहर भेजना और दूसरा इंपोर्ट यानी माल को बाहर से लाना। किसी देश की किए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वो हुआ जिसमें एक्सपोर्ट की कीमत इंपोर्ट की कीमत से ज्यादा हो। जैसे चाइना की है, वो एक्सपोर्ट कितना कुछ करता है और इंपोर्ट बहुत कम। और दूसरा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जब इंपोर्ट की कीमत ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, जैसे हमारी, हम कितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट उसके मुकाबले कितना कम। दोस्तों भारत के ट्रेड रिलेशन यानी व्यापारिक संबंध लगभग हर बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक से है और दुनिया के लगभग हर ज्योग्राफिकल इलाकों से है। जो चीजें अपने देश से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती हैं वे है कीमती नग, जेवरात, केमिकल, उससे जुड़ी कई चीजें, खेती का माल, उससे जुड़ी कई चीजें जैसे चावल वगैरह। और जो चीजें भारत में लाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा है पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल और उससे बने प्रोडक्ट। लिखा तो नहीं है पर हथियार और वेपन टेक्नोलॉजी भी है। कीमती नग और जेवर इंपोर्ट भी होते हैं, जैसे हीरा लाया जाता है, सूरत में तराश कर बाहर बेचा जाता है। कई केमिकल और उससे मिलते प्रोडक्ट भी आते हैं, बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनें, खेती के प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हैं हम। अब तो दोस्तों अपने बादाम भी अमेरिका से आते हैं। भारत देश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट कर काफी फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर भी ला रहा है। अब दोस्तों टूरिज्म की बात करता हूं। पिछले चार डिकेड्स में भारत टूरिज्म में काफी आगे बढ़ा है। पहले देश के नेता भारत की इमेज सांप सपेरों वाले देश के रूप में दुनिया को दिखाते थे। अब आज के नेता देश का पुराना आर्किटेक्चर, योग, संस्कृति वाला रूप दिखाते हैं। जैसा माल दिखाओगे वैसे ही आपकी कीमत लगेगी भाई, जैसी औकात बताओगे वैसा ही सामने वाला ट्रीट करेगा।
टूरिज्म सेक्टर में सीधे सीधे कोई 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, होटल वाले, वेबसाइट वाले, ट्रांसपोर्ट टैक्सी वाले, गाइड, फोटोग्राफी, जंगल सफारी वाले, शराब वाले, कैसीनो वाले, सामान बेचने वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले, कितने ही लोग। जब हम अपना खुद का देश देखने निकलते हैं तो यह देश में एक एकता भी जगाता है, एक दूसरे का कल्चर दिखता है और उस कल्चर के प्रति इज्जत आती है। अपनी ट्रेनिंग के दिनों में मैं साउथ इंडियन भाइयों के लिए एक अलग व्यू रखता था, पर जब वहाँ कितने ही साल रहा तो मेरे व्यू पूरे बदल गए। टूरिज्म से लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चर को बढ़त मिलती है। यह विदेशियों में भारत के कल्चर और विरासत के बारे में एक जानकारी जगाता है। दोस्तों, जानकारी से दूरियां कम होती है और फिर यही विदेशी खुद को भारत और भारतीयों के, भारतीयता के करीब हो जाते हैं। जब वो अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में योग करते हैं, जब उनकी इमारतों पर हैप्पी दिवाली लिखा होता है, तो वो खुद को भारत के साथ जोड़ लेते हैं। और जब भारत के दुश्मन इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इज्जत पर हमला करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि बाकी दुनिया खुद को भारत के साथ रिलेट करती है, भारत के साथ खड़ी हो जाती है दिल से। अब देखें कि कैसे भारत में पिछले 10 साल में टूरिस्ट का आना बढ़ा है। अतिथि देवो भव के कंसेप्ट से अपने सब इन्वॉल्व लोगों की सोच बदल कर हम इस फ्लो को और बढ़ा सकते हैं। हमें अपने देश को सुंदर और अच्छा दिखाना होगा। सोशल मीडिया पर कभी भी देश को गंदा नहीं कहना होगा। अपने मेहमानों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मेरे बचपन में CBSE बहुत अच्छी थी। एक कहानी थी मेरे कोर्स में, शायद हिंदी के चैप्टर में, 1893 में दुनिया के धर्मों पर शिकागो में होने वाली पहली पार्लियामेंट में हिंदू धर्म के बारे में बताने अपने देश से स्वामी विवेकानंद जी समुद्री रास्ते से जापान गए। व्रत था स्वामी जी का और सिर्फ फल ले रहे थे। दोस्तों, जापान दुनिया का बहुत ही महंगा देश है और टोक्यो पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा शहर। स्वामी जी को फल नहीं मिले, वो ट्रेन में बैठ गए। उन्होंने अपने साथ वाले लोगों से चर्चा की कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। चलते फिरते एक जापानी ने यह बात सुन ली, क्या किया होगा हमने अगर ऐसा अपने साथ हो, कहेंगे साले ने ढंग से देखा नहीं होगा, या खुद हंस पड़ेंगे, या सरकार को गालियां देने लग जाएंगे कि सरकार ने इतना GST लगा दिया है, फल कहां से मिले, या CAA लागू कर दिया है, फलों पर कौन ध्यान दे, कुछ कुछ। पर वो जापानी वहां से भागा। जापान की ट्रेनें अपने टाइम के लिए मशहूर है। वो आदमी जूट की एक टोकरी में पता नहीं कहां से फल ले आया, सांस चढ़ा हुआ, पसीना पसीना। स्वामी जी और उनके साथी देखते रह गए, लगा कोई भगत होगा। भगत भुगत नहीं था। पैसे देने लगे तो जापानी बोला, पैसे मत दीजिए, बस जब कहीं भी जाएं और वापस अपने देश जाएं तो किसी से ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। और स्वामी जी बंगाल के थे। उसी बंगाल के कुछ जर्नलिस्ट जो ममता दीदी के साथ लंदन के होटल में रुके थे, वहां से चम्मच चुराते पकड़े गए। एनीवेज दोस्तों, आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म पे, हर मौके पर, हर मोड़ पर देश के नाम को ऊंचा रखना। तो दोस्तों, फॉरेन के टूरिस्ट भारत आते हैं इसकी विरासत देखने, हमारी कितनी ही डाइवर्स इकोलॉजी, जंगल, पहाड़, बीच देखने, पहाड़ों पर चढ़ जंगल में सफारी कर कुछ एडवेंचर देखने, हमारा अलग थलग रंग बिरंगा कल्चर देखने, अपने देशों से सस्ता और बढ़िया इलाज करवाने और कितने ही व्यापार के काम करने। टूरिज्म को और भी डेवलप करने का काफी पोटेंशियल है। इसके अलावा देश के कुछ लीडर बाहर जाकर देश की अच्छी इमेज दिखाकर, कई लोगों को प्रमोट कर, नए नए इलाकों को हाईलाइट कर और कितने ही तरह से टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश जारी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, अपनी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की ट्रायलॉजी पूरी हुई। दोस्तों, माँ सरस्वती की कसम, आपके लिए दिन रात एक कर दिए थे मैंने। अब आप मुझे रुकने की इजाज़त दीजिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करें, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप इस चैनल पेज पर या मुझे पर्सनली ईमेल करके बताइएगा, आपकी जीत की खुशी मैं भी मनाऊंगा। और हाँ, हो सकता है मैं बकवास पढ़ाता हूँ, पर प्लीज़ 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 मुझे सुधार के बारे में बताते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। जय हिंद।